ने तो समाज से पूर्व में ही इजाजत ले लिया था कि मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। हाँ। और मैं यहाँ से नहीं लगभग 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा था। हाँ। समझे, और समाज की इजाजत लेने के बाद ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब समाज को फैसला करना है मेरे भविष्य को लेकर के, कि समाज जो है डेवलपमेंट को पसंद करती है, चाहती है रोड बने, नली गली बने, आपका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या फिर वही पुराना ये अपराधी हुआ अपराधी, एक अपराधी से छोड़ करके दूसरे अपराधी को वोट करें, तो ये समाज को सोचना है। ललन सिंह बड़े नाम है, उनके सामने वोट मांग रहे, तो जनता में आपको लेकर खुशी है या आपको लेकर है कि नहीं हम बड़े नेता के साथ ही हैं? देखिए, बड़ा कोई नहीं होता है, जो लोकतंत्र है इसमें कोई बड़ा या छोटा नेता नहीं होता है। हाँ। वो निर्भर करता है आपका विचार पे। हाँ। आपकी विचारधारा क्या है, ये आपको छोटा या बड़ा बनाती है। लोग मुंगेर में घूम रहे थे, तो मुंगेर इस बार बड़ा क्षेत्र है, ललन सिंह जी है, अशोक महतो है और एक युवा है प्रियदर्शी पीयूष जी, ये पूरा घूम रहे थे, तो मुंगेर में घूम रहे, तो सर क्या रिस्पॉन्स है दो बड़े दिग्गजों के बीच में, आप जैसा युवा कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? देखिए, रिस्पांस तो अभी तक मॉर्निंग से जो निकला हूँ रिस्पांस तो बढ़िया ही है। अच्छा, और अति पिछड़ा समाज के लोग एकजुट हैं। हाँ। अब बाकी रिजल्ट तो अब जो है 4 जून को देख ही लीजिएगा। तो क्या है, इतने बड़े दिग्गजों के बीच में लड़ रहे हैं, कितना सहयोग और कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है आपका? देखिए, अब मुझे नहीं सोचना, सोचना समाज को है कि समाज जो है विकास चाहती है। हाँ। या कोई सामंतवादी या किसी अपराधी को वोट जो है स्थापित करना चाहती है। अच्छा। तो ये समाज पे मेरा क्या है इसमें? अच्छा, तो आप हमने तो समाज से पूर्व में ही इजाजत ले लिया था कि मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। हाँ। और मैं यहाँ से नहीं लगभग 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा था। हाँ। समझे, और समाज की इजाजत लेने के बाद ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब समाज को फैसला करना है मेरे भविष्य को लेकर के, कि समाज जो है डेवलपमेंट को पसंद करती है, चाहती है रोड बने, नली गली बने, आपका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या फिर वही पुराना ये अपराधी हुआ अपराधी, एक अपराधी से छोड़ करके दूसरे अपराधी को वोट करें, तो ये समाज को सोचना है। ललन सिंह बड़े नाम है, उनके सामने वोट मांग रहे, तो जनता में आपको लेकर खुशी है या आपको लेकर है कि नहीं हम बड़े नेता के साथ ही हैं? देखिए, बड़ा कोई नहीं होता है, जो लोकतंत्र है इसमें कोई बड़ा या छोटा नेता नहीं होता है। हाँ। वो निर्भर करता है आपका विचार पे। हाँ। आपकी विचारधारा क्या है, ये आपको छोटा या बड़ा बनाती है। हाँ। लोकतंत्र में कोई ना नेता बड़ा होता ना कोई नेता छोटा होता है। हाँ। या आपको जिस प्रकार का जन समर्थन मिलता है। हाँ। जो विचार आप रखते हैं उसको जनता अगर स्वीकार करती है तो आप बड़े नेता है। अच्छा, तो ललन जी भी लड़ रहे हैं, अशोक महतो जी की पत्नी अनीता जी भी लड़ रही है, आप भी लड़ रहे हैं, इस तीनों बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो क्या है ये जो आपके विरोधी दल है उनके लिए क्या मैसेज है, और जो वोटर है उनके लिए क्या मैसेज है मुंगेर के लिए? देखिए, मैसेज यही है कि अब हम तो अपील ही कर सकते हैं, वोट देना तो जनता के हाथ में है। तो हम जनता से अभी भी यही अपील करेंगे कि जात पात अपराधवाद सामंतवाद इन लोगों को छोड़ करके विकासवाद पे वोट कीजिए। अच्छा, ललन जी के लिए क्या मैसेज है? ललन सिंह को अपना जो है प्रतिद्वंदी या कोई जो है ना, हम कोई सीरियस जो है कैंडिडेट नहीं मांगते हैं। उनको वोट कौन दे रहा है, उनको कौन समाज वोट दे रहा भाई? अच्छा। है किसके नेता है, ना वो अपने समाज के नेता है, ना समाजवादी नेता है, ना कोई वैचारिक नेता है बिहार में, फॉरवर्ड के नेता कहाँ है? उनको कोई उनको अपना ही समाज वाला वोट नहीं देता, उनको कोई नेता नहीं मानता है। अच्छा। ना वो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। ना वो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। वो समाजवादी विचारधारा की पार्टी के एक सामंत है। अच्छा। उससे अधिक उनकी कोई हैसियत नहीं है। चलिए, तो है अशोक महतो को पिछड़ा समाज का लोग समाजवादी मानता है। अशोक महतो को लेकर देखिए कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, समझे, लेकिन यहाँ मामला देखिए, मुंगेर में मामला पिछड़ा और अगड़ा का नहीं, यहाँ मामला अति पिछड़ा का है। यहाँ मामला उन समाज के लोगों का जिसको कभी हक और अधिकार नहीं मिला, और उसी के लिए हम संघर्ष विगत 1.5-2 साल से कर रहे थे। लेकिन अभी भी मान के चलिए, अगर ये पक्ष विपक्ष के चक्कर में अति पिछड़े का मामले को दबाए अगर जाएगा इस बार ये चुनाव में, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं इसमें? तो पूरे मुंगेर में घूम रहे हैं, कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोगों में उत्साह है। हम जब गुजरे तो यहाँ पर एक जो है इंडिपेंडेंट प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष जी मिल गए, उनसे भी बात कर लिए, फिर उसके बाद हम अनीता देवी और ललन सिंह के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खास करके एक समाज ललन सिंह से नाराज भी है। रजा अंसारी की रिपोर्ट।